हाँ बोलिए। जब 15 मिनट बाद पूजा स्टार्ट होगा उसका बाद सबको अर्घ देगा, उसका बाद टोकरी में हाथ में पाँव में सब जगह आपको पानी देकर एक बार प्रणाम करना है। हाँ मम्मी को जितना भी आंटी है दादी है चाची है फूफा है सबको प्रणाम करना है। टोपी जो भी हो ऊपर जाना है अभी ऊपर वहाँ मरिए दीदी के पास ऊंचा जगह में ठीक जगह है ऊंचा जगह ठीक है। ये गुवाहाटी का छठ पूजा का वीडियो आप देख रहे हैं। हर साल बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना पीरियड की वजह से पहले से आपको इजाजत नहीं मिला था कि आप इस साल भी छठ पूजा मनाए। बताया गया था कि जहाँ पर हो सके आप घर पर रहें सुरक्षित रहेंगे कि कोरोना पीरियड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सरकार की तरफ से 4 महीना घर में घर का अंदर रखकर के बोला है रहने के लिए। फिर धीरे 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 कुछ कुछ नॉर्मल हुआ। केस तो कमा नहीं है किसी भी जगह। केस कमने से सरकार पहले से इजाजत दे देता लेकिन केस कमा नहीं है। अभी ये दिखा रहा है कि दिल्ली में कोरोना का केस ज्यादा बढ़ गया तो वहां में पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पूरी तरीके से बंद कर दिया लॉकडाउन चलाने के बाद खुला रहा है। ये है गुवाहाटी का छठ पूजा का जो वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये स्टेज गुवाहाटी स्टेज चैनल आपको इस चैनल के माध्यम से इस साल का छठ पूजा का वीडियो आपके पास पहुंचेगा। ये सुबह का अर्घ का वीडियो है। सुबह अभी 15 दिन बाद बताया जा रहा है कि हमें अर्घ देने का टाइम होगा, उसका बाद आप अर्घ देंगे प्रार्थना, उसके बाद सूर्य उपासना पूरा होगा। पानी में आपके सबका प्रणाम करने से भी हो जाएगा, समझ गए। आप हाथ में ऐसे गंगा जल लीजिए, हाथ में दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। आराधना करें, लक्ष्मी मैया की आराधना करें। बस और थोड़ा ही समय है, बाकी है सूर्य जब प्रकट होने ही वाले हैं। अनाउंस में बता रहा है कि थोड़ा पूजा उसके बाद पूजा और इस छठ पूजा का समापन करें। लेकिन कैसे ही समय होगा हमारे कार्यालय से पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण और कुछ किया जाएगा, उसके बाद ही अर्घ देने का कष्ट करेंगे। जय कठोरिया महिला आशीर्वाद वर्षों से आप सबों की सेवा में हम लोग आप लोग जहां तक पहुंचाते हैं आप ही लोगों की कृपा से इस साल के छठ पूजा 3 दिन से जो आदमी भूखे प्यासे रह के भगवान सूर्य की उपासना और आराधना करना वाले थे इस थोड़ी देर में समापन होने की हो अवसर प्राप्त होगा सबको। प्रसाद क्या पहले ये देखिए यहाँ में सबको पूजा अर्पण कर रहे हैं, ये प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ में जो जो भक्तगण उपवास करते हैं उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता माँ छठी मैया की सूर्य भगवान की आराधना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस प्रकार जो भक्तगण जो पूजा करते हैं उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सब देखिए प्रणाम कर रहे हैं। हाथ में जल गंगा जल अर्पण करते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं। यह है गुवाहाटी का छठ पूजा का स्पेशल वीडियो जो आपके लिए रिकमेंडेड है। जरूर देखिएगा, जहाँ जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। गुवाहाटी छठ पूजा का स्पेशल वीडियो पिछले 4 दिनों तक ओनली 5 मिनट का अनाउंस होगा, उसके बाद इस साल का छठ पूजा का समापन स्टार्ट हो जाएगा। आप देने के लिए सबको बताया जा रहा है कि आप पानी में खड़ा हो जाइए। लेकिन कल्पना करिए कोई पहाड़ में और ये बादलों के बीच में छुपे हुए हैं, मन में कल्पना करके अवश्य दिखाई देंगे। जय कटमैया आज मात्र 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट आप लोग अपने अपने अर्घ देने के लिए तैयारी करें, जल में खड़े हो जाए। जैसे ही समय होगा हमारे कार्यालय से आपको सूचित किया जाएगा। अनाउंसमेंट कर रहा है जय जय छठी मैया। 5 मिनट और समय बता रहे थे कि बहुत 3 दिन से आदमी लोग भूखा उपवास निर्जल रह करके जो भगवान सूर्य की अर्घ करते हैं उपासना करते हैं उसके लिए रुके हुए थे और 5 मिनट का समय बाकी, उसके बाद आपका इस साल का छठ पूजा का समापन हो जाएगा। आप उसके बाद अपना अर्घ दे करके भगवान सूर्य को नमस्कार करके पूजा अर्पण कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बड़ा ही सहयोग दिया। हमारे कुछ वॉलंटियर इस बार हमारे सहयोगी लोग कम होने के कारण
हम लोगों को परेशानी होने की संभावना थी, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों को बड़ा सुंदर सहयोग दिया और बड़ी शांतिपूर्ण हम लोगों का पूजा धीरे धीरे संपन्न होने के तैयार पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो आपका आभारी है, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, घर पर आराम से जाइए। इस साल का पूजा का ये समापन अर्घ देने का मंत्र पंडित जी के द्वारा मंत्र उच्चारण करने के बाद बच्चों से अनुरोध है कि आतिशबाजी न करें। कल से आप लोगों ने हमें बड़ा ही सहयोग दिया है, पटाखा वटाखा नहीं छोड़े हैं, एक और थोड़ी देर और न छोड़ने का कष्ट करें। प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अनुरोध है कि कृपया आतिशबाजी नहीं करना है। और कल से आपने हमें बता कर रखा, आपने नहीं किया, अब घर में जाकर छोड़ लीजिएगा। जय छठ मैया, जय छठ मैया। दो हजार बीस का छठ पूजा का ये समापन वीडियो, ये लास्ट वीडियो है। 2020 का छठ पूजा समापन हो गया सब, अपना छठ पूजा आज करके पूजा का समापन करके अभी सबको जाने का तैयारी में लग रहे हैं। नया नया कपड़ा करके रेडी होके जो जो बाकी का काम है कम्प्लीट करके सबको रेडी होकर जाने का तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे लोग सब यहाँ पानी में आकर के मस्ती कर रहा है। ये है छठ पूजा का स्पेशल वीडियो। ये है कुमल कुमारी छठ मैया को अर्घ देते हुए। जय छठी मैया, जय छठ मैया, जय छठ मैया। बड़े ही सुंदर इस बार परिवार की महामारी के चलते बच्चों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हम सब श्रद्धालु भक्तगण, आपके सेवकगण, हम सब आभारी हैं। पापा को बोले पापा आपको दे देगा। और फिर भी आगे तो बहुत सारी बातें होंगी, और हम चलते हैं गोपियापुरी की तरफ। गोपियापुरी मम्मी का अकबर कीजिए, भाभी महामारी के चलते कुछ व्यवस्था में नहीं आ गया। अभी जाकर पहचान है, प्रणाम कीजिए। चलिए, व्यवस्था नहीं हो पाई है, आज जरूर दूसरा प्रणाम कीजिए। अच्छा से ये शर्माइए, उधर से चले, उधर से पानी कम है, घर में आप लोगों का उधर से चलिए। गिरेगा कोई बात नहीं, साल में एक बार ही आना है, भेजिए। साल में एक बार ही आना है ना, हमेशा नहीं आना है। हाँ चलते रहिए।